हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखे में काम चल नहीं रहा है, एसी की औकात है नहीं। तो देखिए, आज मैं आपको चार पांच कूलर बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी के टाइम में 2023 के अंदर खरीदना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये जो भी कूलर मैं आपको बताऊंगा, इन सब की अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको कुछ दिनों में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और बताऊंगा कि 2023 के अंदर कौन कौन से बेस्ट कूलर है जो कि आपको बाय करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2023 के कूलर में से हमारा जो पांचवा नंबर पे कूलर है वो है सिंफनी का स्टॉर्म 70XL। यहाँ पर आपको 200 वाट का मोटर गैजेट कूलर है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फैन, हनीकॉम का पैड मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आई प्योर की टेक्नोलॉजी मिलती है। और मैं आपको बता दूं यार, ये आई प्योर की टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए कंपनी ने दिखाया है, कहा है कि इसमें आप जो मच्छर है, जो इंसेक्ट है वो मर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि SMPS की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे अगर आपका वोल्टेज है वो कम ज्यादा होता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्यूरा पंप की टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है आइस चेंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर, कैस्टर के व्हील्स जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है। और हाँ, बड़ी बात ये है कि ये एक इन्वर्टर कंफर्टेबल है, पीछे में कोट बाइंडर भी देखने को मिलता है, ABS की प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है, 14 kg का वेट ये यहाँ पर सह सकता है। कंपनी यहाँ पर आपको एक साल की वारंटी भी देती है। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 11,000। ये जो कूलर है ये सबके लिए नहीं है, अगर आपका जो रूम है वो मीडियम साइज के लिए है तो बेस्ट है, आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी कूलर बता रहा हूँ सबका लिंक नीचे है, जाके वहीं से बाय कीजिएगा। अब जो हमारा 2023 का चौथा नंबर का कूलर है वो है हिंद बेयर का। यहाँ पर आपको 200 वाट की मोटर, जो इसका एयर फ्लो है वो 3800 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से एयर फ्लो देता है जो कि बेहतर है। बैक्टोशील्ड का हनीकॉम पैड मिलता है, जिससे हाँ सुनने में लग रहा हो कि बैक्टीरिया नहीं आएगा, इंसेक्ट वगैरह नहीं आएंगे, पर हाँ ये मार्केटिंग है, इस पे आप मत जाइए। यहाँ पर आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, पर हाँ 4-way नहीं, सिर्फ आपको 2-way यहाँ पर डाइवेटिंग मशीन देखने को मिलता है, 2 आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। 3-speed कंट्रोल देखने को मिलता है, और हाँ सब कूलर के जैसे आइस चेंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ में कैस्टर के व्हील जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है, स्टडी है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, इन्वर्टर कंफर्टेबल भी है, कोट वाइंडर भी है। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है एक साल का वारंटी देती है, और हाँ इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 10,000 के आसपास, जो कि सही है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, कूलर जो है काफी ज्यादा बेहतरीन। पर 10,000 में ये जो कूलर है यहाँ पर आपको कोई भी मॉस्किटो नेट नहीं मिलता है, जो कि मेरे को लगता है कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि जो कूलर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा नंबर पे कूलर है वो है क्रोमटोन ओजोन 75 लीटर। हालांकि 88 लीटर वाला भी वेरियंट आता है, पर हाँ 75 लीटर भी खरीद सकते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं, इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो हमारे चैनल पे पहले ही आ चुकी है, तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 1900 वाट का मोटर देता है, इसके साथ ही साथ 4200 का एयर फ्लो देखने को मिलता है, 4200 क्यूबिक मीटर का पर आवर की स्पीड से एयर फ्लो है, वो काफी शानदार है, मतलब बैठेंगे ना तो आपका जो चेहरा है वो खिल जाएगा, बहुत मजा आता है, स्पीड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको हनीकॉम का पैड, 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक आइस चेंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर, और हाँ कैस्टर व्हील्स जहाँ पर आपको लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोफिल टेक्नोलॉजी, जिससे कि अगर आप अपना पाइप वगैरह कनेक्ट करके रखेंगे तो पानी वो आउटफ्लो नहीं करेगा, उससे पहले जो है वो कट आउट हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। 2 नॉब कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ABS मटेरियल का प्लास्टिक यहाँ पर यूज किया गया है जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है, जाके अनबॉक्सिंग वीडियो में देख सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 10,000 के आसपास है, एक साल की वारंटी देती है, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा शानदार है, अगर आप 10,000 के बजट में खरीदना चाहते हैं ये परफेक्ट है, जाके खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो दूसरे नंबर पे कूलर है वो मतलब काफी ज्यादा शानदार है, अगर आप स्मार्ट कूलर चाहते हैं तो ये कूलर आपके लिए है, हैवेल्स फ्रीडो 1। यहाँ पर देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक है, सब चीज रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, बटन दिए गए हैं वो भी यहाँ पर स्मार्ट कंट्रोल है, डिस्प्ले देखेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको स्मार्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है, टेम्परेचर कंट्रोल, 70 लीटर का टैंक मिल जाता है, पर थोड़ा मोड़ा चीज कम कर दिया गया है जिसकी वजह से स्मार्ट कूलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो यहाँ पर वेट वगैरह है वो कम कर दिया गया है, जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए प्राइस के हिसाब से और जो यहाँ पर फीचर दिए गए हैं उसके हिसाब से बेस्ट है, अगर आप स्मार्ट कूलर चाहते हैं तभी आप इस कूलर की तरफ जाइएगा, नहीं तो पहले नंबर का जो कूलर है उसके तरफ आप वेट। और हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो कूलर है वो स्मार्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलता है, बाकी जितने भी अभी तक कूलर्स मैंने आपको बताया है तो वहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो नॉइज था, लेकिन हाँ यहाँ पर उनके हिसाब से काफी ज्यादा कम नॉइज रहेगा। तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके बाय कर सकते हैं, स्मार्ट कूलर है। अब दोस्तों हमारा जो पहले नंबर पे कूलर है जो कि शेर है, मतलब हर चीज में देखा जाए, वो है क्रोमटोन का ऑप्टिमस 100, मतलब
बहुत ज्यादा शानदार है भाई। इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है, इसका जो वेट है, इसकी जो यहाँ पर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पसंद आई है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 200 वाट का मोटर जो कि काफी ज्यादा परफेक्ट है, काफी ज्यादा सॉलिड है। 5500 क्यूबिक की स्पीड से एयर फ्लो देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा फीचर वाला कोई कूलर है वो ये है, अगर स्मार्ट को छोड़ के देखा जाए तो। हनीकॉम का पैड मिल जाता है, ऑटो स्विंग वाला ऑप्शन है मिल जाता है, फुल्ली कोलैप्सिबल है। आपके जो दरवाजे हैं कूलर के वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से कोई भी मॉस्किटो जो है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, कोई भी कीड़ा नहीं जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको मॉस्किटो नेट भी देखने को मिलता है, तो मच्छर वगैरह जो कीड़े हैं वो आपके कूलर के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको ऑटो फिल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको क्रोमटोन ओजोन के टाइम बताया था कि ऑटो कट हो जाएगा, पाइप वगैरह लगा के रखेंगे तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर काफी बड़ा आइस चेंबर मिल जाता है, वाटर इंडिकेटर, डायल नॉब मिल जाता है। सब में आपको 4 कैस्टर व्हील्स देखने को मिलते हैं, इसमें 5 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और हाँ ABS का थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और हाँ, 15 kg का वेट यहाँ पर ये कैरी कर सकता है, मस्त है। पानी भरे चाहे बर्फ डाले कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस की बात करें 13,000 का ये आता है, हालांकि कभी जो है कम ज्यादा भी होते रहता है, तो आप जाके चेक कीजिएगा। 1 साल का वारंटी आपको कंपनी देता है। और हाँ, ये जो कूलर है वो मस्त है, अगर आपका बजट 11, 12, 13 है तो बाय कर सकते हैं। तो 2023 का जो नंबर 1 कूलर है वो है क्रोमटोन का ऑप्टिमस 100, जाके बाय कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पसंद आने पे वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय, सी यू।